हेलो एवरीवन, ये इंडियन इकोनॉमी का 42वां पार्ट है और चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न और तथ्यों को लेते हैं। तो देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ था, कर्नाटक या केरल? भारत में गन्ने की पिराई से कुल गन्ने के वजन का लगभग कितना प्रतिशत चीनी प्राप्त की जाती है, 10% या 20%? भारत के सार्वजनिक उद्योगों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आप देखें। रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है या भारत विश्व में नाइट्रोजन उर्वरकों का तीसरा बड़ा उत्पादक है? इन दोनों में एक गलत है, उसको आप चुनेंगे। मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान कपड़ा उद्योग का है, क्यों? इसके निर्यातों के लिए आयातों पर निर्भरता बहुत कम है या इसके निर्यातों के लिए आयातों पर निर्भरता बहुत अधिक है? और चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा या तीसरा? किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया, चीनी उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग? भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है, हथकरघा उद्योग या चमड़ा उद्योग? लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन सा कोयला के क्षेत्र से काफी दूर है, भद्रावती या दुर्गापुर? औद्योगिक एवं वित्त विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, जनवरी 1992 या जनवरी 1982? राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों के पुनर्स्थापना हेतु या लघु इकाइयों की स्थापना हेतु? भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की स्थापना कब हुई, 1955 या 1965? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई, 1964 या 1974? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब हुई, 1971 या 1981? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई, 1990 या 1971? वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष कौन है, 2001 या 1991? लघु उद्योग के लिए संयंत्र मशीनरी में निवेश की ऊपरी उच्चतम सीमा वर्तमान में कितनी निर्धारित की गई, एसएससी का प्रश्न है, 1 करोड़ या 60 लाख? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब की गई, 1948 या 1956? औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में कौन शामिल हैं, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु, महाराष्ट्र? कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है, PCS का प्रश्न है, SIDBI या ICICI?
भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई थी? अगस्त 1996 में या अगस्त 1998 में? केंद्र सरकार द्वारा गठित विनिवेश आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी के 100% शेयर बेचने की संस्तुति की थी? मॉडर्न फूड इंडस्ट्री या भारतीय गैस प्राधिकरण? भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2004-05 या 1994-95? तो ये है, और बार बार रिवाइज कीजिए इसको। थैंक यू।